गुड आफ्टरनून। आज हम 27 जुलाई 2022 की प्रमुख खबरों पर चर्चा करेंगे। इंजीनियरिंग और निर्माण समूह लासन एंटुब्रो एलएनटी ने मंगलवार को कहा कि परिचालन से उच्च राजस्व के कारण जून 2022 तिमाही में उसका समेकित शुद्ध लाभ 44.9% बढ़कर 1,702.07 करोड़ रुपए हो गया। कंपनी ने एक साल पहले की अवधि में 1,174.44 करोड़ रुपए का समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया था, एलएनटी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा। अप्रैल जून की अवधि के दौरान कंपनी के परिचालन से समेकित राजस्व बढ़कर 35,853.20 करोड़ रुपए हो गया, जो एक साल पहले की अवधि में 29,334.73 करोड़ रुपए था। टाटा पावर ने मंगलवार को उच्च आय से प्रेरित चालू वित्त वर्ष की अप्रैल जून तिमाही के लिए अपने समेकित शुद्ध लाभ में लगभग 90% की वृद्धि दर्ज की और 883.54 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। टाटा पावर ने बीएसई फाइलिंग में कहा, कंपनी ने 2021 से 22 की इसी तिमाही में 465.69 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। इसकी कुल आय अप्रैल जून वित्त वर्ष 23 में बढ़कर 14,638.78 करोड़ रुपए हो गई, जो एक साल पहले की अवधि में 10,310.21 करोड़ रुपए थी। नोकिया ने वैश्विक व्यापार सेवाओं में डिजिटल परिवर्तन और दक्षता को चलाने के लिए विप्रो के साथ रणनीतिक साझेदारी का विस्तार किया। आईटी सेवा प्रदाता ने दुनिया की अग्रणी बहुराष्ट्रीय नेटवर्किंग, दूरसंचार और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नोकिया के साथ एक नए 5 साल के रणनीतिक जुड़ाव की घोषणा की है। नया समझौता मूल रूप से 20 साल पहले स्थापित साझेदारी पर बनाता है। रिलैक्सो कंपनी ने जून 2022 को समाप्त तिमाही के लिए लाभ में सालाना आधार पर 25% की वृद्धि दर्ज की, जो पिछले साल की इसी अवधि में 497.13 करोड़ रुपए की तुलना में तिमाही के दौरान 34.2% बढ़कर 667.15 करोड़ रुपए हो गया। फॉर्मा कंपनी को बिसोप्रोलोल फ्यूमेरेट टैबलेट के विपणन के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रशासन USFDA से अंतिम मंजूरी मिल गई है। उच्च रक्तचाप के इलाज के लिए बिसोप्रोलोल फ्यूमेरेट गोलियों का उपयोग किया जाता है। इस दवा का निर्माण ACZ अहमदाबाद भारत में समूह की फॉर्मुलेशन विनिर्माण सुविधा में किया जाएगा और इसे वियोना फार्मास्यूटिकल्स इंक द्वारा वितरित किया जाएगा। डीआरसीओ नियंत्रित शराब निर्माता यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड ने मंगलवार को 30 जून 2022 को समाप्त पहली तिमाही के लिए अपने समेकित शुद्ध लाभ में 5 गुना से अधिक की वृद्धि के साथ 261.1 करोड़ रुपए की सूचना दी। कंपनी ने एक साल पहले अप्रैल जून तिमाही में 50.3 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ दर्ज किया था, यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड USL ने एक नियामक फाइलिंग में कहा। समीक्षाधीन तिमाही के दौरान परिचालन से इसका राजस्व 15.6% बढ़कर 7,131.3 करोड़ रुपए हो गया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 6,168.5 करोड़ रुपए था। विकास लाइफकेयर की सहायक कंपनी जेनेसिस गैस सॉल्यूशंस को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अदानी गैस प्राइवेट लिमिटेड IOAGPL के लिए वाणिज्यिक पाइपलाइन बिछाने के लिए पहला अनुबंध मिला है। IOAGPL औद्योगिक, वाणिज्यिक और घरेलू क्षेत्रों को पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस PNG और परिवहन क्षेत्र को संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG की आपूर्ति करने के लिए शहर गैस वितरण नेटवर्क के विकास के लिए अवसंरचना बिछा रहा है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT ने इंड बराट एनर्जी उत्कल के लिए समाधान योजना को मंजूरी दे दी है। ऋणदाताओं की समिति ने अक्टूबर 2019 में उक्त योजना को मंजूरी दी थी। इंड बराट के पास ओडिशा में 700 मेगावाट का निर्माणाधीन थर्मल पावर प्लांट है। कंपनी ने जून 2022 में समाप्त तिमाही में 22.83 करोड़ रुपए का समेकित लाभ दर्ज किया, जो एक साल पहले की अवधि में 104.89 करोड़ रुपए का नुकसान था। QAFY22I दूसरी कोविड लहर से प्रभावित हुई थी। राजस्व पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 362% बढ़कर 948.44 करोड़ रुपए हो गया। आज के लिए इतना ही। इस तरह के अधिक जानकारी पूर्ण वीडियो के लिए कृपया साझा करें और हमारे चैनल की सदस्यता लें। सुनने के लिए धन्यवाद।